देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की वजह से लोगों की जान आफत में है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक मुंबई के पवई इलाके की तो दूसरी मुंबई से ही लगे पनवेल इलाके की है, जहां पर भारी बारिश के बाद इस पानी में फंसे लोगों को देखा जा सकता है। मुंबई के पवई इलाके में एक लड़का तालाब में नहाने के लिए गया और पानी के तेज बहाव में बहने लगा। लड़के की चीख पुकार सुनकर वहां लोग जमा हुए। बहते हुए इस लड़के को किनारे के पेड़ की झुकी हुई एक टहनी दिखाई दी और उसे पकड़कर इसने बचने की कोशिश की। इस बीच ऊपर मौजूद कुछ लड़के उसे बचाने के लिए एक एक कर नीचे उतरे। डूबते लड़के को सहारा मिला और वो संभला। लड़के की ओर वो आगे बढ़ता दिखाई दिया। इस तरह जांबाज लड़कों की समझदारी से डूबते हुए इस लड़के की जान बचा ली गई। वहीं रेस्क्यू की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से ही लगे हुए पनवेल इलाके की ये तस्वीर, जहां एक लड़का अपने गांव उमरौली जाते हुए रास्ते में नदी के तेज बहाव में फंस गया। गनीमत यह रही कि इसे नदी के बीच एक चट्टान का सहारा मिला और इसके बाद पानी की लहरों के बीच चट्टान पर मौजूद इस लड़के को बचाने की कवायद शुरू हुई। पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम ने लड़के को बचाने के लिए एक सेफ्टी ट्यूब रस्सी में बांधकर उसकी तरफ फेंकी। किनारे पर मौजूद लोग उसे ये ट्यूब पहनाने के लिए पुकारते रहे। लड़के ने ट्यूब को पहना और फिर रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे उसे किनारे की ओर खींच लिया। बारिश की वजह से आधा देश बेहाल है। आज कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात की, जहां लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। महाराष्ट्र की तस्वीरें, भारी बारिश से यहां जनजीवन बेहाल है। रत्नागिरी में भारी बारिश से समंदर में उफान आ गया है। समंदर का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने के लिए कहा है। उधर मुंबई के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। मुंबई के कुर्ला, सांताक्रूज, दादर में भी भारी बारिश हो रही है। सड़कें यहां पानी में डूब गई है। रेल पटरियों पर भी पानी जमा हो गया है, जिससे लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। मुंबई में भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने मछुआरों से समंदर से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन चेतावनी के बावजूद मछुआरे अपनी रोजी रोटी की तलाश में जान जोखिम में डालकर भी समंदर की ओर जाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ मछुआरे अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर के अंदर फिशिंग करने के लिए गए हैं। ये फिशिंग उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने दी है। लेकिन सब के इतर एक दूसरा पहलू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दक्षिण मुंबई का इस पूरे इलाके में अगर आप आसमान की तरफ नज़र घुमाएँ तो हर तरफ काले बादल ही आपको दिखाई देंगे। पूरे इस इलाके में को काले बादलों ने घेर लिया है। साथ ही में जो इस शहर की ऊंची-ऊंची इमारतें हैं वो सभी इमारतें काले बादलों से घिर चुकी है। एक तरह से फॉग जो है वो इन बिल्डिंगों के आसपास गुजर रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी तेज़ हवाओं के बीच ज़ोरदार बरसात हो रही है। ऐसे में कुछ मुंबईकर इस मौसम का आनंद भी लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि समंदर खतरनाक हो सकता है, शाम के वक्त हाई टाइड आने वाला है, ऐसे में प्रशासन ने गुजारिश की है कि लोग अपनी जान जोखिम में न डालें और समंदर से दूर रहे। इस तरह मुंबई और महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। गुजरात के वलसाड़ और नवसारी में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बारिश की वजह से ज्यादातर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। बारिश का पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक वलसाड़ में 208 मिलीमीटर बारिश हुई है। पारडी में 181 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं अहमदाबाद में 2.5 इंच तक बारिश हो गई है और ऐसे में शहर का बुरा हाल है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं लोग सड़क पर पानी की वजह से ट्रैफिक में फंसे नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में भारी बारिश के बावजूद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से अहमदाबाद में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा नजर आ रहा है। अहमदाबाद में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और अहमदाबाद के पश्चिम इलाके का वेजलपुर ये है जगह, वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।
डेढ़ से दो फीट पानी इस इलाके में भर चुका है। हालांकि अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक 7 से 8 ऐसे जिले हैं दक्षिण गुजरात से लेकर मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के, जहां पर भारी से भारी बारिश होगी। और इसी के चलते वलसाड़ और नवसारी में भी वही हालत देखने को मिली, अहमदाबाद में भी बिल्कुल उसी तरीके से हालत यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, सुबह से बच्चे स्कूल गए थे, अभी घर लौटे, ये बारिश हो रही है, उनको लेके लेने जाने के लिए ही खड़े हैं हम। तो क्या स्कूल से जानकारी आई अभी? स्कूल से हाँ मैसेज आ गया है, पर वो लेने के लिए कोई तैयार नहीं है जाने के लिए, यहाँ से रास्ता तो बहुत बंद है। बिल्कुल, आप यहाँ पर खड़ी है? हाँ, हो रही है काफी बारिश में। हाँ, काफी बारिश में तकलीफ हो रही है। इसके लिए बच्चों को लेने के लिए? हाँ, बच्चे के लेने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से बच्चे गए थे, लेकिन ये अनाउंसमेंट नहीं किया गया था या ये घोषणा नहीं की थी कि स्कूल बंद रहेगी। और अब हालत ये हुई है कि हर जगह पर इस तरीके से पानी भरे हैं, स्कूलों में अब छुट्टियां घोषित कर दी हैं।